गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम टू माय चैनल रितुन मनी ब्लॉग्स। तो आज है भाई सुबह सुबह मॉर्निंग 6 बजे, और आप देख रहे होंगे भाई हम रेडी क्यों हो चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना पड़ गया। तो आज है भाई हमारे व्रत शुरू, क्योंकि भाई सावन 22 से शुरू होने वाला है। तो हम सावन के 4 व्रत और उससे पहले 1, तो 5 करने होते हैं। तो आज है भाई व्रत, और मैं सुबह सुबह हो चुकी हूँ भाई रेडी। तो मैंने सोचा भी ब्लॉग शुरू कर लेते हैं फिर तो वही है, रूटीन के कामों में बिजी हो जाएंगे हम। और ये वाला मैंने सूट वेयर किया है, तो अभी दिखाती हूँ। पर मनन तो भी, मनन भी हो चुका है रेडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये है मनन की भाई हाउस ड्रेस आज, और आज इसका एग्ज़ाम भी है मैथ्स का, है ना मनन, है कि नहीं? तो भाई बस इसके पापा नहा रहे हैं, फिर जाते हैं हम मंदिर में, और फिर आपसे मिलेंगे। एक बार भी मनन लुक दिखाएगा मेरी कि मैंने सूट कौन सा वेयर किया, क्योंकि हर रोज़ मनन चला जाता है जब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज सुबह सुबह मनन है, तो एक बार मनन मेरी लुक दिखाता है, ठीक है? दिखाता हूँ। तो ये है भाई ऐसा कुछ मेरा सूट, गंगा का है भाई ये, तो गंगा का सूट है, बस गले पर वर्क है। और ये मैंने ऐसी स्लीव सिलवाई है इसकी, ठीक है? और ये है भाई दुपट्टा, तो ये देखो भाई कॉटन मन का दुपट्टा है ये, ठीक है? और ऐसे कुछ है इसकी लुक भी। तो कमेंट करके बताना भी आज का सूट मेरा कैसा लगा। तो मैंने सोचा भी अब सुबह सुबह डाल लेते हैं, तो सारा दिन रहेंगे बिजी, और है ना। तो वो देखो शीशे में मेरी लुक दिखाई दे रही है, ठीक है? तो बस भाई अब दूध लेना है, ठीक है? और फिर चलते हैं भाई, कहाँ चलेंगे? मंदिर। ऊपर कर लो फोन थोड़ा, ऐसे पूरा आता है। तो मंदिर चलते हैं, और बस हस्बैंड नहा लिए हैं भाई, तो आपको मिलते हैं मंदिर में, ठीक है? तो भाई अब आ गए हैं मंदिर से, और ये देखिए तिलक चंदन का, और बस मनन का बनाया भाई ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारा है फास्ट। ये देखो मनन कर रहा है भाई ब्रेकफास्ट, और उसके बाद जाएगा स्कूल, और मेरे जो काम है भाई वो कर लूँगी सारे, ठीक है? और अब फटाफट करते हैं सारे काम, बाकी भाई टाइम तो अभी 7 भी नहीं बजे हैं सुबह के, तो हम फ्री भी हो गया, नहा धो लिए, मरन का ब्रेकफास्ट भी बन गया, किचन सारी साफ है, क्योंकि भाई फास्ट है आज, तो कुछ ऐसा कुछ करने के लिए है नहीं है। बाकी देखते हैं अभी आज के व्लॉग में क्या बनाएंगे, ठीक है? तो साथ में बने रहिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो एक बार सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट कर ले, ठीक है? तो चलो भाई अब देखते हैं क्या कुछ करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो काम हो चुका है भाई सारा मेरा, और अब मैं दिखाती हूँ आपको कुछ, मैं जो कैंटीन से लेके आई थी ना, तो कल मैंने आपको दिखा नहीं पाई मैं, तो कल तो व्लॉग कर दिया था एंड, और कल सॉरी परसों किया था, तो कल मेरी वीडियो नहीं आई कुछ भाई, कल थोड़ी सी तबीयत हो गई थी ख़राब मेरी, तो बस ऐसी शॉर्ट्स डाले थे। और ये देखो ड्रेसिंग टेबल में सामान, तो ये मैंने साफ ही नहीं किया अभी कई दिन हो गए। बाकी भाई आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई थी, और इसका भाई मैं यूज़ करके भी बताऊँगी चीज़ें ना, कि कैसे क्या कुछ है, तो एक बार आप देख लो क्या क्या चीज़ें लेके आई थी। बाकी भी मैं लोटस हर्बल की ही क्रीम यूज़ करती हूँ, लोटस हर्बल की ही भाई फेशियल किट। और अब बस चाय वगैरह पी थी, हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी, और मैं अकेली थी, काम वगैरह सारा होगा, क्योंकि आज कुछ काम था नहीं, ब्रेकफास्ट सिर्फ मरण का बना था। तो चलो एक बार बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ चीज़ें, ठीक है? तो ये है भाई, सबसे पहले तो है ये, तो इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको एक बार कि इसमें है क्या क्या, ठीक है? तो ये ऐसे पैकेजिंग में है भाई, और इसको करते हैं ओपन। अच्छा, मैंने सोचा भाई ट्यूब फॉर्म में, लेकिन ट्यूब फॉर्म में नहीं है, ऐसे है ये पैकेट्स में है। और इसके साथ हमें मिले हैं 4 पैकेट, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप है भाई, फर्स्ट स्टेप भी सबको पता, सबसे पहले है इसमें स्क्रब, ठीक है? सबसे पहले है स्क्रब, उसके बाद है एक्टिवेटर। इसमें क्या करना है, यूनिक एक्टिवेटर डिजाइन टू कैरी डिसऑल एनर्जीज ऑफ द सोल टू अप्लाई ऑन द फेस। अच्छा, तो ये है एक्टिवेटर, जैसे हम वो कर देते हैं ना, पता नहीं क्या जेल होता है शायद। और ये है मसाज क्रीम, ये वाली। और लास्ट में है भाई मास्क। तो ये 4 ही हैं भाई, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये है इसकी पैकेजिंग जैसे, और एक मैं लेके आई हूँ, पहले भी इसको डाल देते हैं अंदर, ठीक है?
तो इसको यूज़ करूँगी ना तब मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका कैसा रिजल्ट आएगा। बाकी अभी तो नहीं की, तीज वगैरह आएगी ना तब करके देखेंगे, ठीक है। तो और आप सब बताइए भाई, तीज की शॉपिंग कर ली है कि नहीं? भाई मैंने अभी जाना है, मैंने बैंगल्स लेके आनी है, तो आज मैंने बैंगल्स नहीं डाली क्योंकि वो जो गोल्ड के कड़ी होते हैं ना भाई, काम घूम करते हुए इधर उधर लग जाते हैं, तो मैंने वो निकाल के रख दिए थे। और तो तीज पे लेके आऊँगी भाई ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, तो वो मैंने लेके आनी है, अभी लेके नहीं आई। और ये है भाई, ये देखो, ये है ग्लो ब्लीच, और ये भी हर्बल है। किसकी बनी है भाई? टर्मरिक, हल्दी और एलोवेरा, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। आपके सामने खोल रही थी पैकेजिंग, ठीक है। ओ, इसमें तो बहुत कुछ है भाई। ओह वेरी गुड। तो ये है भाई चंदन का फेस पैक, इसके साथ फ्री मिला ये। और इसमें है भाई ब्लीच, तो एक है ये स्पून, और कुछ ऐसे पैकेजिंग है भाई देखो। तो इसमें बॉक्स है और इसको खोलते हैं। तो ये है भाई एक्टिवेटर, ठीक है, और ये है भाई ब्लीच, और ये किस चीज़ की है भाई? ओके, ओजोन, इंस्टेंट ओजोन, ठीक है, इंस्टेंट ओजोन है, टर्मेरिक और एलोवेरा की, मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले भी जो मैं करती हूँ ना वो सिर्फ हर्बल ही है, चंदन और उसकी, तो इस बार भी मैं हर्बल लेके आई हूँ क्योंकि भाई स्किन ऐसी होती है कई बार पता नहीं चलता है ना। तो इसको रखते हैं इसके अंदर, जब यूज़ करूँगी तब बताऊँगी कि ठीक है कि कैसे यूज़ करते हैं। और सब करते हैं अभी आजकल, ब्लीच सब लगाते हैं, फेशियल सब करते हैं, तो ये तो मैं ज़रूर यूज़ करूँगी भाई। तो ये है चंदन का, ठीक है, तो जब लगाएंगे तब यूज़ करेंगे इसको। और इसको करते हैं बंद, और एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखो भाई फ्रंट कैमरे से उल्टा आता है, तो ये है ओजोन इंस्टेंट ग्लो ब्लीच, और ये देखो लिखा हुआ है इस पर एलोवेरा टर्मरिक, और ये है भाई लोटस हर्बल का सेलुलर ग्लो फेशियल किट, ठीक है। और भाई ऐसा कुछ है नहीं आज करने के लिए, तो मैं तभी आपको बोल रही थी कि हाँ भाई मैं अपनी चीज़ें दिखाऊंगी आपको थोड़ी सी, कि क्या क्या यूज़ करने के लिए मैं लेके आई हूँ, और जब इनको यूज़ करेंगे तब दिखाऊंगी। बस भाई बाकी फ्री बैठी थी, काम सारा हो चुका है, और सब्ज़ी मैंने बनाई है भाई, ठीक है। तो मैंने स्कूल से आएगा बस उसी रोटी बना, आज हम खीर बनाएंगे भाई, ठीक है। तो खीर बनाऊंगी क्योंकि सावन आने वाला है, और बाकी व्रत में वही मीठा खाते हैं तो हम खीर खाते हैं, खीर के साथ रोटी ले लेते हैं। और शाम के टाइम भी 5:30 बजे, क्योंकि हस्बैंड लेट आएंगे तो लेट खाना खाएंगे, इस वजह से मनन का है एग्ज़ाम, पता नहीं कैसे करके आएगा भाई। और बस ऐसा मन कर रहा है भाई कपड़े चेंज कर लूँ मैं, तो आपको मैंने लुक दिखा दी है, कमेंट करके प्लीज़ बताना सूट कैसा लगा। और ये कॉटन का है भाई गंगा का, तो गंगा ब्रांड आपको पता ही है भाई कैसे होते हैं, ठीक है। और सिंपल सुपर सूट है भाई, और दुपट्टा इसका बिल्कुल, ये देखो एक बार मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको दोबारा, देखो भाई ये है दुपट्टा, ठीक है, और बिल्कुल कॉटन मल का है, और इसमें ना भाई सेल्फ प्रिंट है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं देखो बैक दिखाती हूँ, ये देखो, तो ये सेल्फ प्रिंट पिछले पास से ऐसे और आगे से ऐसे। तो बोल देते हैं ना कि कॉटन मल के दुपट्टे हैं भाई, ये तो 500-600 के सूट भी आ जाते हैं, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ब्रांड का फ़र्क होता है। और इसका प्रिंट देखिए, और इसमें सेल्फ प्रिंट है, ठीक है। तो ये था भाई दुपट्टा इस सूट का, और पूरा लंबा चौड़ा दुपट्टा है। और मेरे को ना भाई येलो सूट कम पसंद आता है, बहुत कम होएंगी मेरे येलो सूट। जब चाचा के बेटे की शादी थी तब मैंने येलो सूट सिलवाया था, वो भी सिर्फ इसलिए हल्दी के लिए, और एक सूट ये लिया था, मैं कहा चलो अलग सा कलर हो जाएगा। बाकी भाई मेरे को येलो सूट बहुत कम है मेरे पास, मेरे को ब्राइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे रेड हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, स्काई ब्लू हो गया, डार्क पिंक हो गया, तो ये वाले सूट्स मेरे को ज़्यादा पसंद आते हैं। और बाकी भाई आप बताइएगा, ठीक है, तो मेरे सूट्स आपको कैसे लगे, ये वाला सूट कैसा लगा, कल कैसा लगा। तो जिसने पिछले व्लॉग नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए पिछले व्लॉग, ठीक है। और अब भाई करते हैं थोड़ी सी ड्रेसिंग टेबल की तरफ चलते हैं भाई, इसका कभी तो मन करता है भी साफ़ कर लूँ, कभी कर देखना, मतलब इतना कुछ ऐसे हो जाते हैं ना परफ्यूम्स वगैरह, तो भाई एक तो मैं परफ्यूम दिखाती हूँ डेली भाई, ये वाला परफ्यूम यूज़ करती हूँ मैं एनवे का, ठीक है, तो डेली तो ये भी यूज़ करती हूँ। और बाकी ये भी है भाई एक, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी, एक है ये ईवा का, ठीक है, तो डेली में तो ये यूज़ होते हैं। बाकी बेला वीटा है, उसकी बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस है भाई,
ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप कमेंट करके बताना भाई जिसने परफ्यूम की कलेक्शन देखनी है, ठीक है, तो वो बताना भाई कमेंट करके। बाकी भी मेरी एक किट और पड़ी है अभी फेशियल की, जो बैम्बू चारकोल वाली है ना, जो पिछली बार लेके आई थी, तो मैंने सोचा अब इसे डस्ट वगैरह उतर जाएगी, ठीक था। ये देखो ये वाली, तो बैम्बू चारकोल वाली। बाकी इसका भी ठीक था, नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था कि साइड इफेक्ट हुआ, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुए, और अच्छी थी चारकोल वाली, तो गर्मियों में बहुत अच्छी रहती है, तो ये लेके आई थी भाई एक मैं। और जो और यही सारा सामान भी हमारी कैंटीन से मिलता है, जो चंडीगढ़ पुलिस की कैंटीन है ना, इसमें बहुत मतलब रीज़नेबल प्राइस पे अभी हम तो सारा सामान यहीं से लेके आते हैं, बाकी बाहर तो कहीं जाते नहीं है, तो इसी कैंटीन में होता है सारा परफ्यूम वगैरह, जो भी हमारी फेशियल किट है या फिर ये होगी ब्लीच होगी, मतलब हर एक चीज़ अभी ग्रॉसरी से लेकर बाथरूम से लेकर किचन से लेकर हर एक चीज़ आइटम, आपकी होम से लेकर ग्लास वगैरह क्रॉकरी सब कुछ है अभी वहाँ पे सामान, ठीक है। तो मेरे को तो ठीक लगा, और बिल्कुल घर के पास है, 2 मिनट भी नहीं लगते हमें जाने में घर के पास। और अब मंदिर गए थे भी, मंदिर मैंने इसलिए नहीं दिखाया आपको मंदिर का क्योंकि फ़ोन नहीं लेके गए, ठीक है, तो ऐसे मत्था वगैरह टेका, 5 मिनट में आ गए थे, 6 बजे गए थे, 6:15 तक घर आ गए थे, 10 मिनट लगे सारे मंदिर में। और भाई अब दिखाती हूँ एक बार, जो तो बस वही अब ड्रेसिंग टेबल वगैरह साफ़ कर दिया मैंने, तो मैं कह चलो थोड़ा सा मैं सफाई हो जाएगी, और बैठी हुई थी फ्री तो मैंने सोचा फिर दोबारा आपसे बात कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम लग गया अभी ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने में। तो आपके कहते कहते जब मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई ना फेशियल किट वगैरह, तो मैंने सोचा कि सफाई कर लेती हूँ और ड्रेसिंग टेबल हो गया साफ़, क्योंकि कैमरा होता है ना साथ में, मतलब कैमरा ऑन तो कर नहीं सकते क्योंकि भाई हाथ में पकड़ना पड़ता है, तो मैं सोच रही हूँ ट्राईपोड लाने की, तो प्लीज़ कमेंट करके भी सजेस्ट करना अगर किसी को पता हो कि बेस्ट ट्राईपोड कैमरा कौन सा होता है, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने फ्लिपकार्ट पर भी वही देखा था लेकिन मेरे को मतलब ये होता कन्फ्यूजन सी हो रही थी कि कौन सा लें। तो अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना कि हाँ भाई कौन सा कैमरा ले, सॉरी कौन सा ट्राईपोड ले, जिसमें ये होता है ना कि ट्राईपोड पे लग गया और अपना कुछ भी काम करते रहो, अपना डेली व्लॉग्स दिखाना अगर है ना, तो अब ये होता है कि पर्सनली बैठना पड़ता है आपके साथ, वैसे तो अच्छी बात है लेकिन ये होता है ना कि उसमें तो ये अभी कुछ काम करते रहे फिर आपको दिख जाएगा कि हाँ क्या काम करें, अब तो ये होता है कि मैं बताती हूँ कि हाँ ये काम हो गया वो काम हो गया, तो थोड़ा सा इसलिए बस ट्राईपोड लेके आना। तो कमेंट करके बताना जो वीडियो देख रहे हैं कि बाहर से लेके आऊँ या ऑनलाइन ठीक रहता है, तो सजेस्ट ज़रूर करना भाई। तो अब थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट क्योंकि थक चुकी हूँ भाई, एक तो फास्ट है, एक थोड़ी प्रॉब्लम्स है नर्व्स में, ठीक है। तो बाकी भी जिसको नहीं पता, जो नए व्यूअर्स हैं वो देखते हैं, तो यही है भाई नर्व्स में प्रॉब्लम है, जो मेरी सेंसरी नर्व है ना वो डैमेज हो रखी है, और जो आपको पता ही है सेंसरी नर्व ब्रेन से ही चलती है और सारे बॉडी पार्ट्स का फंक्शन उन्हीं के हाथ में होता है, तो वो मेरी डैमेज है, इसलिए मेरे को वॉकिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तभी मैं अभी ब्लॉग्स ऐसे बैठ कर बनाती हूँ, या बेटा कभी फ़ोन पकड़ता है, बाहर के मैं इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि मैं अकेले नहीं जा सकती भाई बाहर, ठीक है, ऑनेस्ट स्पीकिंग भी मैं बाहर अकेले नहीं जा सकती, तो मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँगी है ना, तो मेरे को किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं डेली ब्लॉग्स घर से ही बनाती हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए चैनल को, पूरा देखिए, और इस उसमें भी अपने ब्लॉग्स बना रहे हैं हम, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी भी आपको अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, और आने वाले ब्लॉग्स और भी अच्छे होंगे, तो तब तक के लिए सभी को भी मेरी तरफ से प्यारी प्यारी राधे।